अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वाह, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। देखिए साहब, माफ कर दीजिएगा, मेरा कोई इशारा ये मोदी साहब की तरफ नहीं है। मेरा जहां इशारा होगा इंशाल्लाह वो अपने आप पहुंच जाओगे। कह रहा हूं कि वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी है उसकी आदत। डरा रहा है, उसकी आदत डरा रहा है। जल्दबाजी बहुत आप लोग करते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं। आधे शेर में आपने हुआ वो कर दिया। असल में आप अपना कॉन्फिडेंस भूल गए थोड़ी देर में, 20, 40, 50 मिनट में, कि कहाँ आपको दाद देना है और कहाँ आपको दाद नहीं देना है। तो खुदा के लिए आपसे गुजारिश ये है कि पहले सुन लें, फिर समझ लें और फिर पसंद करें कि अच्छा है या बुरा है, उसके बाद दाद दें। वक्त से पहले दाद देने में बहुत प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक शहर है क्वेटा। आज़ाद साहब गए क्या हैं? आज़ाद साहब, एक शहर पाकिस्तान में भी होता है क्वेटा। वहाँ पर एक मुशायरा हो रहा था, उसकी सदारत फरमा रहे थे अहमद नदीम कासमी साहब। एक साहब जैसे अभी बीच में बोले थे, वो हर शेर पे दाद देते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उनका सुभान अल्लाह चलता था, समझ में आए या ना आए सुभान अल्लाह। तो कासमी साहब के कानों पर जब गरां गुजरने लगी आवाज़ उनकी, तो कहा कि मियाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, अगर अल्लाह ने धीरे से भी याद कर लिया तो ये मुशायरा आखिरी हो जाएगा। तो खुदा के लिए मेरे शेर को मरने मत दीजिए। अगर सही शेर पढ़ूँ तो ही दाद दीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आए और मुशायरा लूट कर चला जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। मेरा काम हो गया है। रोशन बेग साहब की मुझ पर बड़ी इनायत और मोहब्बत रहती है, और पहली मरतबा मेरा ख्याल है 30 बरस हो उन्हें बुलाया था। और मेरा काम इसलिए भी हो गया कि मुशायरा पढ़ने से पहले उन्हें मेरा मुआवजा, मेरा नजराना दे दिया है। पढ़ूँ क्या मैं? आज करूँ, शुरू करूँ? मैंने ये कहा है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। हे, वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी है उसकी आदत। डरा रहा है, हे मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। यहाँ दाद देने थी जो वहाँ पर, हे मेरी फितरत डरा नहीं। आज कर रहा हूँ, सुनिएगा। हे मेरी आती जाती एक गज़ल, जहाँ से सब भुला दिया इन लोगों ने, इतना कमाल का कलाम पढ़ दिया है, हम ये भूल ही गए कि हम शायर हैं भी कि नहीं हैं, खुदा की कसम। और आज तो मुशायरे की नई तारीफ़ पता चली कि इस तरीके का मुशायरा होता है। जितनी मोहब्बत से आपने दोनों हमारे साथियों को सुना। अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऊँचे ऊँचे दरबारों से क्या लेना। मेरी बहन भी है और ये मेरा बेटा भी है, इन दोनों के लिए कह रहा हूँ। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना है। अपना मालिक अपना खालिक, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश करना ये चाहता हूँ कि पूरा हवाला रोशन बेग साहब की इतनी शानदार महफिल का हवाला जो है वो उर्दू है। खुदा के लिए इस पर ये आँच ना आ जाए कि उर्दू वाले खुदा न खास्ता हिंदुस्तानी नहीं है या वतन परस्त नहीं है। खुदा के लिए बस ये खस्ता ना हो जाए। मैं एक मतला पढ़ता हूँ, आप शिरकत कर लेंगे तो मेरी बात पूरी हो जाएगी। अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। अब जान के दुश्मन को पहचान लो तो मजा आ जाए। वाह, अर्ज क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छे, मोहब्बत की इसी मिट्टी को। अब मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे कितनी देर पढ़ना है। मेरा ख्याल है 3 या 3.5 मिनट। मोहब्बत की इसी मिट्टी को मूड बना के आया था कि कम से कम 40 मिनट जरूर सुनाऊंगा, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मेरे मेयार इससे, मेरे ख़त से बहुत आगे का मुशायरा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, और जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, फिर उसके बाद चाहे ये जुबां, फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। देखिए साहब, ये सारा काम आज जो हुआ हमारा, मेरे तो बेटे की तरह है। ये सिर्फ सारा काम इसलिए हुआ कि आज़ाद साहब बैठे हुए हैं। अब यह है कि समाजवादी पार्टी में तो इसकी कोई गुंजाइश है नहीं, कांग्रेस में कहीं मौका लग जाए, इसलिए सारी मेहनतें और हिम्मतें हो रही थी। और अगर गुंजाइश है तो मेरी सिफारिश है कि आप इसको ज़रूर मौका दीजिए। देखिए साहब, आज़ाद साहब ने 2 गज़लों के 2 शेर मुझे पढ़ने को कहा है, वो मैं पहला शेर पढ़ रहा हूँ। गालिब ने कहा है कि शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। जो पहला शेर उन्होंने मुझे हुक्म दिया है उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि उनका मिजाज क्या है। दाद उन्हें दीजिएगा, अगर शेर पसंद आए तो वो भी बैठे हैं। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। यार कमाल है बेंगलोर के अच्छे लोगों, आप तो शेर पर भी दाद देते हैं है? किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? अस्कराओं के तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। अर्ज कर रहा हूँ दोस्तों कि आज हम दोनों को फुर्सत है। चलो, जैसा कि इमरान ने कहा कि हिंदू और मुसलमान जो भी ईमानदार और जो भी मोहब्बत करने वाले हैं उन सबको मुखातिब उसने किया। सिर्फ मुसलमानों का मजमा नहीं है ये सिर्फ हिंदुओं का मजमा नहीं है, ये सिर्फ जितने लोग बैठे हैं मोदी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये सारा जितने लोग बैठे हैं ये कांग्रेसी नहीं है। गज़ल सुनने के लिए भी लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं कोशिश कर, मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे मना कर सकते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आज हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। वाह, इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप अगर सच्चा शेयर पढ़ रहा हूँ तो मैं आपकी शिरकत चाहूँगा। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें।